लागी रे मनवा में चोट आना लागी रे मनवा में चोट हो जाए बसे तुम पहाड़िया की ओट रे लागी रे मनवा में चोट। आज की हमारी कहानी है भारत पाकिस्तान में भूले बिसरे बिछुड़े परिवारों की। दूर देश तुम जाए बसे हो ये कहानी हरियाणा के करनाल जिले की राजरानी और पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ शहर में रह रहे उसके पिता आमिर बख्श की है, तो ये कहानी दिल्ली के रमेश चंदर और पाकिस्तान में उनके रिश्तेदारों की भी है। इस कहानी में अभी और भी कई पात्र हैं और इन सब की दास्तान एक है। 50 साल की कड़वाहट ने दो मुल्कों के रिश्तों को आज कहां से कहां पहुंचा दिया है, लेकिन आज इस तल्खी नफरत के माहौल में भी दोनों मुल्कों में तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके लिए सबसे जरूरी है रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता। बात चाहे सियासत की हो या क्रिकेट की, जिनके लिए दो मुल्कों के बीच की सरहद कोई मायने नहीं रखती, जिनके लिए दिल आज भी एक है। दिलों के बंटवारे अभी तक नहीं हुए, क्योंकि जो अब हमने देखा है यहाँ से जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो एकदम अपनी इस जगहों को याद करके रोते हैं। कोई अपने गांव को याद करके रोता है तो कोई अपने शहर को जो यहाँ पैदा हो गए, और वहाँ के लोग यहाँ याद करते हैं, यहाँ के लोग वहाँ। बंटवारा जो हुआ है ज़मीन का हुआ है, इंसानों के दिलों का नहीं। तो वैसे ही मोहब्बत कायम है एक दूसरे के साथ, जहाँ जहाँ हैं खुश हैं सब और एक दूसरे को मिलने की चाह रखते हैं दिल में। सबसे पहले दिल्ली में हम मिले रमेश चंदर से। बंटवारे के बाद रमेश चंदर तो भारत चले आए, लेकिन उनकी माँ और मामू पाकिस्तान में रह गए। आज रमेश की माँ भी नहीं है और मामू भी गुजर चुके हैं, लेकिन रिश्तों की गर्माहट में कोई कमी नहीं। जो जज्बात रिश्तेदारों के साथ थे या जो जज्बात दोस्तों के साथ थे, उसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया, ना उधर ना इधर। आज तक भी हम आपस में मिलते रहते हैं, कि जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था, दोस्त भी जब यहाँ आते हैं तो मिलते हैं, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो दोस्तों को भी मिलते हैं। यहाँ तक कि ख़त और किताबत रहती है, ये ज़रूर है कि ख़त आने में टाइम लगता है, लेकिन अब तो ईमेल आती है। आज ही मुझे ईमेल आई मेरे कज़न की, मेरे मामू के लड़के की, आज ही मुझे ईमेल आई है यहाँ तक बताने के लिए कि हमने अपना मकान बदल लिया है। दिल्ली में ही हमें मिले नाजिम नकवी। इनके एक चाचा पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और अक्सर दिल्ली आते रहते हैं। बात दरअसल हिंदुस्तान को न भुला पाने की है। बंटवारे ने इन लोगों को एक दूसरे से जुदा जरूर कर दिया, लेकिन बिछुड़ने की वो टीस, वो कसक और उसके निशान आज तक बरकरार हैं। हम लोगों का एक वतन है ऊंचा हार मुस्तफ़ाबाद, वहाँ पे हम लोग हर साल एक मौका ऐसा आता है मुहर्रम का, जब हम लोग जमा होते हैं पूरी फैमिली हमारी, करीब 150 लोग जमा होते हैं उस जगह पे। तो उसी बीच में वो भी ट्राई ये करते हैं कि वो भी वीज़ा लेके उसी बीच में आए, ताकि एक जगह पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाए। तो वहाँ पे आते थे, हमारे घर के सामने एक रेल ट्रैक है, तो उस पे से ट्रेन गुजरती थी, तो वो ट्रेन देख के रोते थे। किसी की मांग में सिंदूर देख रहे हैं तो वहीं पे खड़े हुए चले जा रहे हैं, यार मैंने क्या खो दिया है, यार मैं क्या खो चुका हूँ, यार तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो सकता मैं क्या खो गया। हिंदुस्तान के एक एक जर्रे से मोहब्बत की ये मिसाल दिल को छू लेने वाली है, लेकिन ऐसी मिसाल और भी है। हरियाणा के करनाल जिले की जानकी देवी अपनी बेटी राजरानी के साथ 51 साल पहले बंटवारे के वक्त भारत चली आई। उनके पति आशानंद
वहीं रह गए। आज उनके पति आशा नंद से आमिर बख्श हो गए हैं। उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन जानकी और राजरानी के लिए आज भी वो सबसे अजीज है। बंटवारा दिलों का बंटवारा नहीं हुआ, जैसे हमारे बुजुर्ग गए थे हमारे साथ, उनके यार दोस्त थे, एक दूसरे को मिलते थे, बैठते थे, वो टाइम वो याद करते थे कि हम कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे। तो पता नहीं, ये भी टाइम की बात थी, हम अलग हो गए। अभी बिठाना एक थाली में खाना पीना भी, घूमना वगैरह, वैसे के वैसे बातें चलती हैं। पर ये है, अभी ना वो आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं। मोहब्बत उन्होंने प्यार बहुत दिखाया, जैसे पहले थे वैसे भी। अगर बाप बेटी का रिश्ता तो जैसे होता है प्यार होता है, दिखने में या मिलने में तो खिंचाव तो फिर पैदा होता ही है। अब दूर के हैं जबरदस्ती, और ना तो वो आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं इतनी जल्दी, पर मटके बगैर तो वो आना जाना नहीं होता। ये है हसीबुद्दीन। हसीबुद्दीन का इकलौता बेटा नसीब 10 साल पहले अपने रिश्तेदारों से मिलने लाहौर गया और वहीं का होकर रह गया। यानी अब एक बेटा पाकिस्तानी नागरिक और खुद हसीबुद्दीन एक हिंदुस्तानी। इस तरह की रिश्तेदारी आज भी खूब देखने को मिलती है, लेकिन इसमें रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जब दिल्ली के चांदनी चौक और लाहौर की गलियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह की जुबान एक है, तहजीब एक है और परेशानियां भी एक हैं, तो फिर बंटवारा कैसा? हमारे भी कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तहजीब नहीं खत्म होगी ना, तहजीब नहीं खत्म होगी, उसको कोई ख़त्म कर नहीं सकता है। उसको ख़त्म आप इसी तरह से कर सकते हैं कि एकदम से आप पाकिस्तान वालों से ये कहें कि वो जर्मनी जर्मन बोलना शुरू कर दें, और हिंदुस्तानियों से कहें कि आप फ्रांसीसी बोलना शुरू कर दें, और दोनों तहजीबें ही बिल्कुल अलग हो गई। हो ही नहीं सकता ना। आप पंजाबी बोलते हैं, वो पंजाबी बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी का इस्तेमाल, अवधी का इस्तेमाल करते हैं, वो अवधी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी किताबों में, उनके लहजे में, उनके उठने बैठने में, उनके खाने पीने में, उनका कुजीन, उसमें कहाँ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। रमेश चंदर, राजरानी और जानकी देवी विभाजन का दर्द झेलने वाले आज अकेले नहीं हैं। इनकी तरह लाखों लोगों ने बंटवारे की टीस को झेला। सन 1947 में दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार इतनी बड़ी तादाद में पलायन हुआ। लाखों लोगों का घर बार टूटा, अपने बिछड़े, देश भी बदल गया और तमाम लोगों का धर्म भी। लेकिन दो देशों के बीच 51 साल का कड़वाहट भरा इतिहास भी अब तक मोहब्बत के उस जज्बे को नहीं बदल पाया जो बंटवारे से पहले था। जानकी देवी के पति अगर आशा नंद से आमिर बख्श हो गए हैं, या फिर रमेश चंदर के बाकी रिश्तेदारों ने अपना धर्म बदल लिया है, तो इस बात का मोहब्बत और रिश्तों से क्या ताल्लुक? इससे क्या फर्क पड़ेगा जज्बात में? यानी कि ये एक हिंदू है और एक रिश्तेदार मुसलमान है और एक रिश्तेदार हिंदू है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? खून तो वही है, जज्बात तो वही है। आपके ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके ताल्लुकात कैसे रहे उनके साथ। मुसलमान हैं फिर भी अपना खून तो खून ही होता है ना, तो फिर वो देख के तो उनको दिल की लगन जो है होती है, तड़प होती है, जो वो फिर दोबारा जागती तो है ना, जागती तो है ना, भी ये मेरी बेटी है या मेरा रिश्ता है भी। वो मजबूरी करके वहाँ पड़े हैं भी, अब क्या करें, ना तो वो इधर करे ना उधर करे।